हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पल पल की अपडेट देते रहता हूं। दोस्तों, प्री बीएड 2022 का मॉडल आंसर साथ ही साथ रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। अब बहुत जल्द जो है इसका काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू भी होने वाली है। दोस्तों, जुलाई के लास्ट वीक तक जो है इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा काउंसलिंग की प्रक्रिया से संबंधित। देखिए दोस्तों, इसका अंदाजा हम इसलिए लगाकर आपको बोल रहे हैं कि 18 जुलाई 2022 की स्थिति में एक नोटिफिकेशन एससीईआरटी द्वारा जारी किया गया है कॉलेज लिस्ट की। जैसे बीएड के लिए ऑनलाइन आवंटन की प्रक्रिया, ऑनलाइन अलॉटमेंट की प्रक्रिया के लिए कितने कॉलेज 2022 में इस साल दोस्तों जिसमें आप एडमिशन ले पाएंगे, बीएड कर पाएंगे, इसी के बारे हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, बीएड ऑनलाइन आवंटन प्रक्रिया 2022 जिसके तहत आपका जितने भी कॉलेज संचालित होती है छत्तीसगढ़ में बीएड से संबंधित, तो इस साल अर्थात 2022 में जब आप एडमिशन लेंगे तो कुल जो कॉलेज की संख्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों इस पे क्रमांक 149 अर्थात छत्तीसगढ़ में कुल 149 कॉलेज है बीएड के लिए, जहां पर बीएड की पढ़ाई होती है। इसमें शासकीय और प्राइवेट दोनों कॉलेज शामिल किया गया है, तो इन कॉलेजों में आप दोस्तों बीएड की पढ़ाई कर सकते हैं। कॉलेज का लिस्ट जो है 18 तारीख की स्थिति में जारी किया गया है एससीईआरटी द्वारा। देखिए, इसमें हम बात करें रायपुर जिले के अंतर्गत दोस्तों, तो रायपुर जिले के अंतर्गत आपका बहुत सारे कॉलेज हैं। इसमें देखिए 34 कॉलेज रायपुर जिला में है, अर्थात रायपुर में प्राइवेट कॉलेजों की जो संख्या है 34 है। बलौदा बाजार में सिर्फ एक कॉलेज है जो कि प्राइवेट है दोस्तों, कमलाकांत शुक्ला इंस्टीट्यूट। यदि हम बात करें गरियाबंद जिले की, तो गरियाबंद जिले में 3 प्राइवेट कॉलेज संचालित है। साथ ही साथ दोस्तों, दुर्ग की बात करें हम, तो दुर्ग जिले में आपका बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अर्थात 20 से 25 कॉलेज दुर्ग जिले में संचालित होती है। बात करें दोस्तों हम कोरबा में, तो कोरबा में 4 कॉलेज हैं जो कि प्राइवेट संचालित होती है। बस्तर जिले में भी 4 कॉलेज संचालित है। इसमें दोस्तों एक विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई होती है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, बस्तर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है, गवर्नमेंट कॉलेज है, बाकी 3 कॉलेज जो है प्राइवेट है। बात करें दोस्तों बिलासपुर जिले की, तो बिलासपुर जिले में भी 9-10 कॉलेज हैं जिसमें एक शासकीय कॉलेज भी है। शासकीय कॉलेज की हम नाम की बात करें तो देखिए दोस्तों, इसमें बिलासपुर जिले के अंतर्गत शासकीय कॉलेज में उन्नत शिक्षा संस्थान बिलासपुर है जो कि शासकीय है। इसमें आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही में भी 5 कॉलेज, 4 कॉलेज है दोस्तों, गौरेला पेंड्रा मरवाही में 4 कॉलेज जो कि प्राइवेट कॉलेज है। साथ ही साथ सरगुजा जिले के अंतर्गत भी 4-5 कॉलेज संचालित होता है। कोरिया जिला में 3 कॉलेज हैं जो कि प्राइवेट कॉलेज हैं। बात करें दोस्तों हम जांजगीर जिला की, तो जांजगीर जिला में 19-20 कॉलेज हैं जो कि प्राइवेट कॉलेज है, जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस संचालित होती हैं। इसके अलावा महासमुंद जिले में 6-7 कॉलेज संचालित हैं। मुंगेली जिला में सिर्फ एक ही कॉलेज संचालित होता है जिसमें सोनकर कॉलेज होता है बुंदेली। जसपुर में भी एक ही कॉलेज संचालित है जो कि पत्थल गांव में है। साथ ही साथ दोस्तों आपका कांकेर जिले में भी एक कॉलेज। इस प्रकार से कुल जो कॉलेज हैं छत्तीसगढ़ में 149 कॉलेज हैं। 149 कॉलेज में सरकारी और प्राइवेट कॉलेज दोनों को मिला करके इतने कॉलेज हैं दोस्तों। कुल जो सीटों की संख्या की हम बात करें तो लगभग 15,000 सीटों के लिए बीएड की पढ़ाई होगी, अर्थात 15,000 सीटों में एडमिशन की प्रक्रिया इस साल चलने वाली है। यदि हम बात करें दोस्तों कॉलेज में फीस की, तो देखिए इसमें नोट करके दिया गया है, निजी महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों में संचालित द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम का जो शुल्क है प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित कर दी गई है। देखिए दोस्तों, जो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड जैसे कॉलेज हैं उसके हिसाब से जो आवेदन का शुल्क है रखा जाता है प्राइवेट कॉलेज में। इसमें दोस्तों हम बात करें प्राइवेट कॉलेज में, तो लगभग आपका 35-40 हजार रुपए तक का फीस लगता है। 35 से 40 हजार रुपए तक का फीस आपको प्राइवेट कॉलेज में लग सकता है। बात करें शासकीय कॉलेज की, तो देखिए दोस्तों सरकारी या शासकीय संस्थाओं में संचालित बीएड पाठ्यक्रम का जो शुल्क है प्रथम वर्ष में आपको 60 हजार रुपए लगेगा,
प्रति छात्र का, वैसे ही सेकंड ईयर में जब जाएंगे तो 6,000 रुपये प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। चिन्ह वाले जो स्टार चिन्ह वाले महाविद्यालय न्यायालय प्रकरण के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इन महाविद्यालयों का मान्यता का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली में लंबित है। दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों आप तमाम लोगों को कि वर्तमान में यदि आप प्राइवेट कॉलेज में करते हैं तो अलग अलग कॉलेज में जो फीस है अलग अलग है, तो आप किसी भी जगह नहीं बोल सकते कि उस कॉलेज में इतना फीस है यहाँ क्यों, क्योंकि ग्रेड के हिसाब से कॉलेज की जो फीस है उसका निर्धारण होता है। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, बहुत सारे छात्रों का कमेंट आता है, पूछते हैं स्टूडेंट कैंडिडेट जो है पूछते हैं, मेरे व्यूअर पूछते हैं कि सर बीएड की पढ़ाई करते समय कितना छात्रवृत्ति मिलता है, कितना स्कॉलरशिप मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि बीएड में जब आप पढ़ाई करेंगे तो 7 से 8 हज़ार रुपये की जो स्कॉलरशिप है प्रतिवर्ष, अर्थात शुरू साल में भी आपको 7 से 8 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी, द्वितीय वर्ष में अर्थात सेकेंड ईयर में भी आपको 7 से 8 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी। इस प्रकार से 15,000 रुपये आपका स्कॉलरशिप में रिटर्न हो जाएगा। दोस्तों आपका अच्छा रैंक है तो आप अच्छा कॉलेज हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप कमेंट करेंगे दोस्तों तो मैं कौन कौन से कॉलेज बेहतर है उनकी भी जानकारी दे सकता हूँ। थैंक यू।